अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज है और आप देख सकते हैं शॉप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप दिखाने लगा हूँ दुकान की सेटिंग कैसे करते हैं, जो माल वगैरह ले जाते हैं शॉप पे उसकी सेटिंग वगैरह किस तरह करते हैं। अगर चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो शॉर्ट करते हैं। बाकी ये है डायमंड की रेबड़ी, जो 20 की पैकिंग में है और 50 की पैकिंग में भी है, और ये सुपर क्रिस्प की है और ये 20 की है। ये न्यू पैकिंग आई इसमें भी, ये भी अच्छी सेल होने वाली चीज़ है। और ये बल्ले बल्ले, और ये चिटोज लेज कंपनी का है, ये भी चिटोज पड़े हैं, ये भी पिनट है। बाकी ये कोक वगैरह का माल है और पानी वगैरह पड़ा है, और ये इसमें सारा माल का माल पड़ा है। और ये फॉर यू का दाल मूंग है, ये 50 की पैकिंग में है, ये फॉर यू निम्को है, मिक्स पिनट वगैरह निम्को सब मिक्स है इसमें। ये 50 में रेवड़ी है डायमंड वाले को, जो आपको पहले दिखाई मैंने, और ये 50 में पिनट है सुपर क्रिस्पी की, और ये फॉर यू लेज, और ये है बिस्किट चिकन, और ये गुलू को पिक फ्रिंज का है, और इसमें ये है क्लिक, ये पिक फ्रिंज का, ये 25 के पैकिंग में 30 का सेल कर देते हम तो। ये रस है, मिल्की रस में है, ये हमारे शहर में बंदे अब्दुल हकीम है, ये टाक का लोग अलावा ये बिस्कुट सारे पड़े हैं सुपर वगैरह पिक फ्रिंज के, काफ़ी सारे आइटम हैं, रियो कैंडी, ये टिश्यूज वगैरह भी है। इसके अलावा ये आइटम हमारे पास पड़े हैं पाकिस्तानी ईरानी, ये वेफर है, ईरानी वेफर है, ये इनको डायमंड कंपनी के हैं, सलवा वगैरह पड़ी है, पिनट्स, ये चॉकलेट्स भी पड़ी हैं, टॉफीज वगैरह मिक्स है सारी। इसके अलावा बाकी ये इस तरह सेटिंग हो तो दुकानदारी ज़्यादा होती है, माहौल वगैरह ज़्यादा बन जाता है।